हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शिप कलर कैसे बनाया जाता है और कैसे किया जाता है तो चलिए दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ब्रश से भी शिप कलर कर सकते हैं, कोई स्प्रे मशीन का ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं देखिए आप लोग को दिखा रहा हूँ, ब्रश से मैं शिप कलर कर रहा हूँ अप्लाई, तो आप लोग भी शिप कलर ब्रश से कर सकते हैं। और दोस्तों, शिप कलर को कैसे बनाया जाता है तो देखिए दोस्तों, ये शिप कलर हमारा ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर में है शिप कलर, तो इसको हम लोग कैसे बनाया जाता है चलिए आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा हमने ले लिया शिप कलर, इसमें थोड़ा सा डाल दिया, उसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग इमली पाउडर मिक्स करेंगे, इसमें हम लोग इमली पानी मिक्स करेंगे। तो चलिए आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसको मिक्स कर लिया इमली पाउडर को, और ब्रश की सहायता से इसे मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। तो चलिए हमने इसे मिला लिया, और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि हमारा जो शिप कलर है वो तैयार हो गया है। अब हम मूर्ति में अप्लाई करके देखेंगे। और एक बात दोस्तों, अगर मूर्ति भी ऑरेंज कलर का होना चाहिए तभी शिप कलर आप लोग ऑरेंज कलर का कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा मूर्ति पहले से ऑरेंज कलर हमने करके रखा था, इसीलिए हमने जो कि ऑरेंज कलर का ही शिप कलर बनाया हूँ, उसमें दूसरा वाइट कलर का शिप कलर नहीं होगा, इसीलिए आप लोग ऑरेंज कलर देखिए, हमने इसे ऑरेंज कलर किया था पहले से, मूर्ति को ऑरेंज कलर करके रखे थे, और इसमें भी शिप कलर में भी ऑरेंज कलर बना के इसमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में मूर्ति से जुड़े हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और दोस्तों, तो चलिए आज के लिए अलविदा लेता हूँ, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर।